बैंक प्रबंधन के बेतुलगी फरमान, आक्रोशित किसान नहीं हो रही जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के समस्याओं का समाधान। अपने ही खून पसीना के पैसों को लेने के लिए अन्नदाता परेशान हो रहे हैं। जी हां, बता दें, प्रदेश ने सत्ता संभालते ही पूर्व से 2015-2016 किसानों के बोनस राशि को जिला सहकारी बैंक के माध्यम से किसानों के खाते में डाले गए, तो वही धान बिक्री के लिए भी राशि एक ही जिला सहकारी केंद्रीय बैंक से ही दिए जाते हैं। जहां बैंक प्रबंधन के बेतुलगी फरमान से किसानों को अपने ही पैसों को लेने में काफी मशक्कत करना पड़ता है, ऐसे ही लोरमी जिला सहकारी केंद्रीय बैंक का है, जहां लिमिट 25,000 ही पेमेंट करने एवं एटीएम को ब्लॉक करने को लेकर किसानों में खासी नाराजगी देखने को मिला है। आज किसानों ने चक्का जाम करने के लिए भी पहुँच गए थे, जहाँ लोरमी नायब तहसीलदार ने मामले को गंभीरता से लेते हुए स्वयं जन सैलाब किसानों के बीच बैंक पहुंचकर अतिशीघ्र समस्याओं का समाधान करने का आश्वासन देते हुए समझाइश दिया। वहीं किसानों ने आरोप लगाया है कि किसान को अपने ही धान के पैसे लेने सुबह से शाम इंतजार करने के बाद भी भुगतान नहीं किया जाता, करोड़ों रुपए के लेन देन होते हैं और यहाँ लगातार राशि नहीं होने की बात कही जाती है। वहीं एक ही काउंटर होने से महिलाओं को काफी परेशानी होती है और बैंक प्रबंधन के द्वारा कस्टमर से अभद्रता पूर्वक व्यवहार करने के साथ कमीशन खोरी करते हुए अपने चहेते लोगों एवं बिचौलियों को भुगतान करने की बात कह रहे हैं। बहरहाल आगे देखने वाली बात होगी कि किसानों की समस्या का समाधान कब तक होगा। लोरमी से साजिद खान की रिपोर्ट। आज की डेट जो है गुरुवार, 3 बार हो गए गुरुवार को ही ये लोग जाम करते हैं कि नहीं पैसा करके बाकी दिन देते हैं, तो हमारी मांग ये है कि यानी जैसे आज नहीं है तो कल देना चाहिए, तो कल वालों को दे देते हैं। और मात्र ये है कि गुरुवार वालों को कहते हैं शनिवार को आओ, दूसरी बात अंदर जाते हैं तो वहाँ के अधिकारी जो है अभद्रता की व्यवहार करते हैं, खड़े हैं उसके बाद कुछ गाली गलौज की शिकायत हुआ है। जैसे घर में शादी का नाम बता पाएंगे? नहीं, सुनिए ना, मैं तो नाम नहीं जान पाता उसको, केशियर है। अच्छा, केशियर। यहाँ करोड़ों रुपए का भुगतान होना है और किंतु उनके बताने के अनुसार जो है बहुत कम पैसा आता है, तो हम ये चाहते हैं कि इस ब्रांच में ज्यादा से ज्यादा पैसा दिया जाए ताकि हर किसानों को पेमेंट हो। दूसरी बात ये है कि प्रतिदिन देना चाहिए, ये अपने हिसाब से जो बंधे हैं यानी प्रत्येक दिन बीच, तो उसमें क्या है हमको नहीं दिया जाता। देखिए अभी की स्थिति देखिए, अभी बज क्या रहा है, 4 लगभग 3 अभी 4 बज गया, अभी तक किसी को 1 रुपए नहीं दिया। हमारे हिसाब से ये होंगे तो हो जाने, सभी किसान है यहाँ व्यवहार किसी को नहीं मिलती है, अगले को भगाया था। ऐसा होता है कि किसान बहुत ज्यादा, जो लोग जिन लोगों का गांव का नंबर नहीं उन लोग भी आ जाते हैं, तो लेने वाले की संख्या बहुत होती है और बैंक के पास उतना पैसा होता नहीं है जो सभी को दे सके। किसानों के द्वारा बहुत सारे आरोप बैंक के ऊपर लगाए जा रहे हैं कि बिचौलियों को पेमेंट पहले दी जा रही है, किसानों के साथ गाली गलौज की जा रही है, तो इस विषय में क्या हल निकलेगा? इसमें संज्ञान लिया जाएगा, पूछताछ इनसे किया जाएगा और इनको समझाइश दी जाएगी कि किसान जो होते हैं वही सर्वे सर्वा हैं और आपको आप उनके लिए बैठे हैं, हाँ, और उनसे किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार नहीं किया जाए, इसके लिए स्ट्रिक्टली इनको समझाइश दी जाएगी और अगर ये नहीं मानते हैं तो निश्चित रूप से शासकीय कार्रवाई की जाए। सर, बैंक प्रबंधन के द्वारा एटीएम को जो बंद किए जाने की बात सामने आ रही है, करके एटीएम को करके खोल दिया जाए तो अधिकांश समस्याएं दूर होगी, इसमें क्या कहेंगे आप? बैंक के पास एक सीमित राशि प्रतिदिन के हिसाब से आती है, उसके हिसाब से उन लोग भी एटीएम में उसको शिफ्ट करते हैं, तो वो राशि अभी सीधे सीधे बैंक में, क्योंकि डायरेक्ट किसान जो है बैंक से आके लेना चाह रहा है उनको बैंक से भी दिया जा रहा है और एटीएम में पैसा नहीं, ऐसा नहीं है एटीएम में पैसा है और समय समय में उससे पैसा निकलता है। सर, प्रशासन इसमें इस ओर क्या पहल करेगी? प्रशासन संज्ञान लेगी कि और क्या क्या समस्याएं किसानों को है और उनकी समस्याओं को निराकरण के लिए उचित निर्देश सोसाइटी को देगी, बैंकों को।